अभिला मन। अरे माय, और व्हाइट लाइट किसका नहीं है यार, कौन है यार? कौन है यार? ये मनन भी निकला। अरे आले मनन यार, तो व्हाइट वाली बस बस। कल के अखबार में यही आएगा। ऊपर सब बोला भी लो मानो वेट वेट चलो आप लोग बोलो भी लो मनन। चलो वन एक मिनट पीछे आ जाओ, चलो पीछे आ जाओ। वन टू थ्री रोल। अरे बोलो वन फोर एक और बार कहाँ पे देखना है पहले ये बता दो। सो सो गुड टू सी बोथ ऑफ यू। न्यू सीजन कैसी है यारिया? सीजन 4 व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? Yes, we are back with season 4 on Voot this time, and like always, we are very excited. We weren't expecting, to be honest, but it's because of you guys that we are back. बहुत rarely ऐसा होता है कि fan power की वजह से या public demand की वजह से show बनाया जाता है. तो हम लोग yeah we are grateful to you guys that we are back because of you. आठ साल हो गए हैं और चार साल के बाद सीजन 4 बना है।
और ये सब आपकी दुआओं की वजह से है एंड आपकी ट्वीट्स और पोस्ट और ट्रेंड्स की वजह से. सो थैंक यू ऑल सो मच फर्स्टली. तो एंड अच्छा लग रहा है कि आप इतने बड़े शो के साथ आप जुड़े हुए हो और आपके कैरेक्टर्स इतने जाने माने हैं कि सबको पता है हमारे बारे में. तो आप इतना कनेक्ट भी करते हो तो अच्छा लगता है ये शो करना एंड आप सबका प्यार पाना. हर सीजन डिफरेंट ही होता है तो ये सीजन भी बहुत ही डिफरेंट है. एंड जो आपने ट्रेलर में देखा है ये तो बस एक छोटा सा क्या बोलते हैं झलक है, टीजर है. पूरी पिक्चर देखना बाकी है. और इस बार सीजन में 16 एपिसोड्स है तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको. बजाय सिर्फ हम ही नहीं साथ ही न्यू कास्ट भी है और न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कैंपस हैं, न्यू कॉलेज हैं, और लेकिन पैशन वही है, लव वही है, रोमांस बहुत ज़्यादा होगा और फ्रेंडशिप भी वही है जी. और नए नए गाने भी हैं जो बहुत नए गाने हैं, फ्रेश सॉन्ग्स हैं. अखिल ने बहुत अच्छे से गाया है एंड वी हैव सम ओरिजिनल म्यूजिक एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन. बहुत सारा मजा. यस, चार साल बाद वापस न्यू सीजन आ रहा है, इसके बीच ऑडियंस से क्या कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहा था, क्या कुछ न्यू सीजन की डिमांड कर रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स यू शेयर विद अस? बहुत इंटरेस्टिंग, एक नहीं था इनफैक्ट, क्योंकि ताजुब की बात ये थी कि चार साल में भी लोगों ने हर बर्थडे पे या हर यारिया का कोई स्पेशल कोई ओकेशन है, फॉर एग्जांपल यारिया फर्स्ट बार कब टेलीकास्ट हुआ था तो उसकी भी वो लोग उसको भी वो लोग ट्रेंड कर रहे थे. तो उससे आपको पता चलता है कि इसकी फैन पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी. एंड लाइक आई सेड कि ये शो जो वापस आ रहा है ये बिकॉज ऑफ पब्लिक डिमांड, लोगों ने इतना पसंद किया है इस शो को, इसलिए वी आर फॉर्चुनेट इनाफ कि हम इसका हिस्सा है और हमने हमारी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई है. सो वी आर जस्ट हैप्पी एंड एक्साइटेड कि यस वी आर बैक एंड देखने को बनता है. अब हम नर्वस है क्योंकि लोगों को पसंद भी आना चाहिए. सो यस वी होप दैट यू गाइस लाइक इट. जैसे भी आपने मेंशन किया कास्ट भी नहीं है, तो अगर नई कास्ट है तो किस तरह का बॉन्ड यू नो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन की अगर बात करें तो कैसे आप लोगों ने यू नो कंफर्ट जोन की अगर बात करें तो कैसे आप लोगों ने एक दूसरे को कंफर्ट दिया? आई थिंक जब नई कास्ट आई तो हम बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज हमारे लिए ये था कि अरे नए लोग आए हमारे शो में तो प्रेशर्स है रैगिंग नहीं हुई एक चीज़ है इस सीजन में. लेकिन बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके एंड फ्रेश लोग हैं एंड उनकी भी फ्रेशेस्ट चीज़ें होती है. सो यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम, दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू. एंड अभी हम ऐसे हो गए ना एक्सपर्ट कि हमें पता है क्या है, और हम तो फाइव के साथ कंपेयर कर रहे थे और ये कि ये ऐसा है वैसा है. सो इट वॉज नाइस. और नीति ने बहुत रील्स बनाई, मैंने भी तो बहुत रील्स बनाए. इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे नीति और पार्थ, आपकी फैन फॉलोइंग ऐसी है कि आपको कंटिन्यूसली यू नो छोड़ना नहीं चाहती, आपको बैक टू बैक देखना चाहती है, जिसकी वजह से आपके सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला. अब अगर कैसी है यारिया की बात करें तो आप लोग कहाँ पर नजर आओगे और उसी के साथ साथ मेरी फिल्म आ रही है अगले साल कॉल्ड खुचड़ी. सो प्रीटी मच एक्साइटेड और नए नए म्यूजिक वीडियोस तो आते रहेंगे जो आपको नीति अपडेट करती रहेगी. शूट के दौरान कुछ आपके यादगार पल शेयर कर सकते हैं? शूट के दौरान बहुत सारे फन मोमेंट्स रहे, स्पेशली गोवा में जहाँ पे हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, जो कि प्रीवियस सीजन में बहुत कम दफ़ा पर हुआ है क्योंकि हम लोग इतने बिजी थे हमारे खुद की ज़िंदगी में. तो इस बार हमें आउटडोर शूट पहली बार हुआ तो बहुत मजा आया. और गोवा जैसे कि आप लोग सब जानते हैं हर जगह लेके गए हमें. मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, बहुत नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करता हूँ, नए नए डिशेस ट्राई करता हूँ, मुझे खाने से बहुत प्यार है. तो आई जस्ट मेक श्योर कि एवरीवन सब लोग मेरे आसपास भी खुश रहे, वो वही सेम स्वाद चखे जो मैं चाहता हूँ. नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट कभी नहीं. और वी आर वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा शूट रहा एंड स्पेशली सीजन 4 बहुत अच्छा रहा, बहुत हैप्पी स्पेस में रहा और बहुत लंबा भी रहा जो कि अच्छा रहा हमारे लिए. पिछले सीजन में आप कॉलेज के स्टूडेंट दिखे थे जी, इस सीजन में क्या नया दिखने को मिलेगा? इस सीजन में हम लोग जैसे कि प्रिंसिपल आई है, सो स्टूडेंट से प्रिंसिपल प्रमोट हो गए वो. जी हाँ, तो नहीं काफ़ी इतना भी बड़ा है, यंग प्रिंसिपल है. और उसी के साथ साथ जैसे कि चार साल बाद ये शो आ रहा है तो मानिका नंदिनी की ज़िंदगी में भी काफ़ी
बदलाव आया है, जैसे कि वो आगे की पड़ाव जो होती है, जो बेसिकली रिलेशनशिप, लिव इन, मैरिजेस, शादी को लेकर क्या टॉपिक, क्या डिस्कशन होगा, क्या नोकझोंक होगी, उसके सिलसिले में ये सीजन फोर जो बना है और आप जो देखोगे, और आप देखोगे ना ही सिर्फ मानिक और नंदिनी जो एक मैच्योर कपल है, बल्कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो यारिया सीजन वन में हमारे बीच था, वो भी आपको देखने को मिले। तो साइड बाय साइड पैरेलली देयर आर लाइक 3-4 स्टोरीज गोइंग ऑन। क्योंकि लव और रोमांस ये शो जो है, यू नो, लव और रोमांस ही, आप अगर अपने फैंस को अगर टिप्स या कुछ देना चाहोगे तो इस शो में से आप क्या टिप्स दोगे? आई गेस वो लोग बहुत कुछ सीख चुके ऑलरेडी शो में। हां, हमें टिप्स देने की जरूरत ही नहीं है, वो आई थिंक हमें टिप्स देंगे। या स्पेशली लड़कियां देखकर दे वांट अ गाय लाइक मानिक ऑलवेज, सो दे फील के, इनफैक्ट मुझे बहुत लड़कों के बॉयफ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं कि यार तुमने ऐसा क्या किया शो में, मैंने तुम्हारा शो नहीं देखा लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है मुझे तुम जैसा बनना चाहिए। तो या दैट इज क्वाइट मोटिवेटिंग एंड अ फील गुड फैक्टर कि यस गर्ल्स लाइक योर शो, लव योर शो एंड लव द केमिस्ट्री बिटवीन मानिक एंड नंदिनी। जब भी सीजन 4 का जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके बदौलत आपका प्यार ऐसे ही हम पे बरसाते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। सो सीजन 4 और 2nd December वोट नीति जी, आपको झलक में बहुत सारे प्यार मिला है, जाता रहेगा। सो प्लीज बस ज्यादा लास्ट लास्ट नीति जी भी बोलिए ना, बोलिए। अरे ग्रुप बाइट है, लास्ट लास्ट ग्रुप बाइट है, आज ग्रुप है, बाइट है यार, ऐसा मत करो, ग्रुप है, ग्रुप है, चलो चलो पैक करो, चलो जान दो, नहीं है ना, बोलो चलो 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 हो गया, मैं दूंगा, चलो हो गया, चलो जान दो, जान दो, किसान बीच में घुस जाएगा। चलो बोलो बोलो, ए किसान ना बोल, किसान बीच आ जा। अरे की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, आप सब ने देखा है कि कैसी रही है, और सेमीफिनाले तक पहुंचने के लिए मेरे को पता था मैं पहुंचूंगी वैसे तो फिनाले तक भी, बट ठीक है कोई नहीं। आई थिंक मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, सबका दिल जीता और आप सब चाहते थे कि मैं जीतूं, सो मेरे लिए वही बड़ी बात है। एक बेस्ट ऑफ लक दे दिया बिग बॉस में, जो आपका फ्रेंड है उसके लिए कुछ दुआ आपका फ्रेंड कौन है? विजुअल 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 ले ले, ये पहले जा रहे हैं, जा रहा है ना, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, राखी गई, राखी गई मराठी दो बार, विजुअल ले ले चाहिए, विजुअल ले ले ले, अरे रुक ना, बोल रही है मैम, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, सेंटर सेंटर कर, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, अरे रुक ना, क्या तुम जा रहे हो, बता भी नहीं दिख रहा है, अच्छा है, सब बैठ बजा दिया किसान, थोड़ा पीछे किसान, सेंटर में आइए ना, सेंटर में कितना हो मैं पीछे, अरे पैनिंग करेंगे नीचे आकर, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा सुनना, वो नीचे ना, नीचे हम लोग भी मरने आए, थैंक यू।